अलीगढ़ में जैसे जैसे तापमान 45 से ऊपर पहुंच रहा है, वैसे ही वैसे विद्युत विभाग को बिजली की व्यवस्था सुचारू रखने में काफ़ी प्रयास करने पड़ रहे हैं। इसी कड़ी में काफ़ी ट्रांसफार्म पर विद्युत विभाग ने कूलर लगा दिए हैं, जिससे वह ठंडा रह सके और उसमें सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति हो सके। चाइनीज वाले बढ़िया, वैसे गले में पंखा डाल के घूमूंगा। ये जो ट्रांसफार्मरों पे कूलर लगाए गए हैं, ये पावर परिवर्तक हैं 10 MVA के। इनका जो एक होता है वाइंडिंग टेम्परेचर, एक होता है इसका ऑयल टेम्परेचर, ऑयल वाइंडिंग टेम्परेचर, और एक वो वाइंडिंग टेम्परेचर। तो उसका जो वहाँ पे एक वो लगा हुआ है वो मीटर, उसमें अगर वो 60 डिग्री के ऊपर 70 डिग्री के ऊपर है तो मतलब हाई अलार्मिंग सिचुएशन है। उसकी वजह से इसके कंजर्वेटर के पास, और सॉरी कंजर्वेटर नहीं, इसका रेडिएटर पे दो कूलर बड़े बड़े लगाए गए हैं ताकि वो उसकी जो हीटिंग है वो कम रहे। ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह इतनी भीषण गर्मी में आम इंसान को कूलर और एसी की ज़रूरत पड़ रही है, कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर को भी कूलर एसी की ज़रूरत पड़ रही है। हाँ, ट्रांसफार्मर को भी ज़रूरत होती है, क्योंकि उसका मैंने आपको जैसे बताया कि टेम्परेचर 70 डिग्री से ऊपर जाएगा तो वो उसमें हीटिंग ज़्यादा होगी, हीटिंग होने से वो हो सकता है मतलब उसमें खराबी आ सकती है। इसलिए कूलर लगाए गए हैं। और किस तरह मजदूर इनकी देखभाल कर रहे हैं? दो कूलर लगाए गए, दो 10 MVA के ट्रांसफार्मर हैं, दो लगाए गए हैं उस पर, और उसको सुबह एक बार भरते हैं कूलर को 8 बजे और एक बार 4 बजे भरते हैं, और रात तक उसके टेम्परेचर हर घंटे चेक करते रहते हैं टेम्परेचर को। जैसे टेम्परेचर उससे कम हो जाता है 50 डिग्री 40 डिग्री से कम, तो फिर कूलर बंद कर देते हैं।